मैंने कहा उनसे, मैंने कहा कि भाई मेरे पैरों में तकलीफ रहती है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूँ और प्रत्याशी भी हूँ, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया। जी बाहर गाड़ी रुकी है, मुझे तो वोट तो डालना ही है तो मैं आई हूँ। तो क्या किस तरीके से आप मान लेंगे कि किस तरीके के टॉर्चर किया जा रहा है? मैंने कहा ना, ऐसा लग रहा है जैसे हर जगह कर्फ्यू सा लगा हुआ है, लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये एक तरह से रामपुर से शुरुआत की गई है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। लोगों को उनके जो मौलिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार, मतलब भाग लेने का अधिकार, ये सब इस सब से वंचित किया जा रहा है। तो ये आप यहाँ पे जितने भी पूरे चुनाव की आप बात करें तो इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को टारगेट करा जा रहा है, आपको कहने का मतलब? जी रामपुर में तो कम से कम किया ही जा रहा है। और कई सारे एजेंट्स को भी यहाँ पे अरेस्ट किया है वहाँ पे? हाँ जी, कई समाजवादी बहुत एजेंट्स को अरेस्ट किया है और भी बीएलओ वगैरह को भी किया है अरेस्ट। तो क्या लग रहा है आपको इसके बाद भी क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए बात की स्थिति तो बाद में ही बताएंगे।